लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे इति देहि स्वलीला भिरानंद कुंडे सोघोसाम निवजंत माथा भयंत। इसी श्लोक को श्रीला भक्ति विदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज इसको ऊपर में तो टीका श्रीला सनातन गोस्वामी का, लेकिन वो टीका तो ही श्री गुरुदेव ने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने टीका को उन्होंने व्याख्या किया है। गुरुदेव का जो हृदय है वो गुरुदेव अपना हृदय को श्री सनातन गोस्वामी टीका उन्होंने उसको ऊपर अपना हृदय को गुरुदेव ने खोल दिया है गुरुदेव ने। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे वो जो फल विक्रयण है, फल विक्रयण जब कृष्ण को उन्होंने फल दिया उसको बाद में जब उन्होंने देखा टोकरी में रत्न रत्न में टोकरी भर गया, बोले ठाकुर जी आपसे तो मैंने ये चीज मांगी नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपका स्वरूप को नित्य निरंतर हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो, आपको दर्शन कर करो, आप मेरे को ये माया दे करके आप मेरे को वंचित क्यों कर रहे हो हैं। तो कल हम लोग ने श्रवण किया था, गुरुदेव कह रहे थे कैसे उसने कृष्ण प्रेम में कैसे वो बागरी बन गई और एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जात अनुराग दुर्दचित उच्चई हसत्य धरोद तिरोहित। कल हम लोगों ने इस श्लोक को व्याख्या सुन रहे थे कैसे भगवत नाम में पहले तो रुचि होता ही नहीं, लेकिन धीरे 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 करते 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 एक दिन उतना नाम में टेस्ट आता है फिर तो तुंडे तांडव से तुंडा बलि लव्स है परीक्षा करता है। ब्रह्मा जी ने एक जीवात्म दे दिया, उन्होंने अर्भुत अर्भुत जीवात्म ने दे दिया, दो कान दिए, करोड़ों करोड़ों कान क्यों हमें नहीं दी थी है। इसलिए गुरुदेव इसको पर व्याख्या करते हैं। उसके बाद में फिर गुरुदेव कहते हैं, कहते अगर जो फल बिक्री हमको कृष्ण क्या देंगे, क्यों बोले पुतना को है, पुतना को अगर ठाकुर जी ने अपना धातृचित पद दे सकते हैं, जिसके लिए गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुतना क्या पुतना बाल राक्षसी बाल राक्षसी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया भी हरे स्तनम दत्वा आप सद्गति। इसलिए वहां पर उसमें गुरुदेव व्याख्या करते हैं कि जो पुतना उसका यहाँ पर बताया उसके अंदर चार अपगुण था। पहला नंबर था पुतना, पुतना मतलब क्या, पुतना जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। दूसरा नंबर में वो करती थी क्या, बोले बच्चों का खून पीती थी। बोले तीसरा नंबर में क्या थी, बोले राक्षसी। बोले चौथा नंबर में कृष्ण के लिए जब वो आई क्या लेकर कृष्ण के लिए आई थी, स्तन में कालकुट जहर लेकर के आई थी है? उसके अंदर में अपगुण उसके अंदर में सारे को सारे अपगुण है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, बोले गुण अपगुण प्रभु देखो ना था। भगवान किसके अपगुण का प्रति ठाकुर जी नजर नहीं देते, उसके अंदर में जो गुण है वो गुण के ऊपर केवल भगवान नजर देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं पहला नंबर की पुतना जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। अगर अपवित्र व्यक्ति को उन्होंने गोलोक वृंदावन अगर दे सकते हैं, अगर कोई भगवान के दरबार में कोई स्नान करके तिलक लगा करके है धोया हुआ पवित्र वस्त्र अगर पहन करके आए तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं दे। दूसरा नंबर राक्षसी
अगर एक राक्षस अगर ठाकुर जी को पास में आए, ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसका भक्त आ जाए तो फिर इसको कृष्ण क्या नहीं देंगे। फिर लेकर के क्या आई थी, बोले वो जहर लेकर के आई थी कृष्ण को मारने के लिए। जहर लेकर के आए, अगर ठाकुर जी इतना ऊंचा करके दे दे, अगर कोई ठाकुर जी को पास में आए खाली हाथ से आ जाए, केवल भक्ति की भावना लेकर के आ जाए। अगर कृष्ण को कोई प्यारा चीज, जैसे उनके लिए कोई एक फल, नहीं तो कोई मिठाई, नहीं तो कोई एक माला लेकर के, नहीं तो उनका जो सबसे प्यारा है क्या है, मक्खन और मिश्री है, अगर उनके लिए कोई मक्खन मिश्री अगर उनके लिए लेकर के आ जाए, तो फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, है ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उतना बाल था श्री रुद्रासना, वो बच्चे को जो खून के लिए पानी थी, लेकिन भगवान उसको स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रभु जी लगता है आपका जो दरबार है ना अंधा दरबार है। बोले क्यों, कारण क्या है, बोले क्या थी चौपट नगरी, क्या नगरी चौपट राजा काका श्री भाजा और काका श्री खाजा, लगता है आपका जो दरबार है ना ये अंधेरी नगरी है। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो, अंधेरी नगरी चौपट राजा काका श्री भाजी काका श्री खाजा, ऐसे क्यों कह रहे। बोले पुतना को अगर आप इतने ऊंचा करके दे सकते हो, फिर अपना भक्तों को क्या दोगा, आपके पास क्या है भक्तों को देने के लिए, आप पुतना को इतना ऊंचा पद दे दिया। तब यहाँ पर एक भक्त एक सुंदर स्टोरी सुना रहे थे। बोले एक समय एक गुरु एक चेला थे, अब गुरु चेला घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचे तो वहां पर तो टाका श्री भाजा और टाका श्री खाजा, वहां जो कुछ खरीदी करो ना 1 रुपया किलो, अगर घी 1 किलो खरीदी करो 1 रुपया, अगर साग भाजी खरीदी करते 1 रुपया, और रसमलाई लेडी चपचप राबड़ी खाओ 1 रुपया। कितने में वो चेला से जाकर बोले गुरु जी हम तो सारा दुनिया घूम गए, लेकिन इतना इतना सुंदर नगरी मिला है, जो कुछ लो 1 रुपया। बोले यहाँ पर कुछ दिन रह करके राबड़ी रसमलाई खा करके थोड़ी शरीर को क्यों नहीं बना देते, जिस देश में हर चीज 1 रुपया हो, लगता है वो राजा अपना पागल होगा, ये राज्य कभी चल नहीं सकता है, चौपट राजा है, कभी ऐसे चल ही नहीं सकता है, डूब जाएगी राज्य, इसलिए चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाओ। बोले गुरु जी इतने बढ़िया राज्य में आ गए तो भाग चलो, जाना तो गुरु जी आप ही, मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, आप ही करके शरीर बना करके जाओगे। बोले ठीक है चला मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए ना मेरे को याद करना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करना जाओ, निश्चिंत हो गए। अभी रोज रोज रसमलाई लेके चपचप और बढ़िया साई बने पालक बने चगा चक रोज रोज एक खा करके एकदम मोटे सोटे लंबे चौड़े हो गया। एक दिन किसी बुढ़ी के घर में चोरी हुई, जब चोरी हुई वो चोरी करके जब भाग रहा था ना, वो बुढ़िया ने पीछे से देख लिया था, वो लंबा चौड़ा मोटा सा था। अभी उसने राजा को पास में आकर बोला महाराज जी कल रात को मेरे घर में चोरी हुई है। बोले तुमने को देखा हो, बोले पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा सा था। राजा तो पागल है ही था, है चौपट राजा। बोले बुलाया पुलिस को, बोले देखो हमारे राज्य में घूमो सबसे जो मोटा सोटा लंबा चौड़ा उसको पकड़ के रखा है, अभी वो ढूंढा कौन राज्य में मोटा सोटे लंबे चौड़े, और ये तो खा खा करके तो पूरा शरीर को एकदम बुला करके लंबा चौड़ा उसको पकड़ करके ले आए। राजा बुला रहे, बोले क्यों, बोले माता जी घर में चोरी हुई है और उसने पीछे से देखा वो लंबा चौड़ा मोटा, पूरा राज्य में देखा तू सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा, चलो राज दरबार में चलो पकड़ करके ले आए। इतने में राजा बोले तुमको फांसी होगा। बोले क्यों, बोले देखा लंबा चौड़ा मोटा तू ही बिगड़े। राजा अभी चेला सोच रहे गुरु जी तो सही बता रहे थे, हाँ अंधेरी नगरी चौपट राजा टाटा से भागे, राजा तो सही कह रहे थे, किसने चोरी किया पीछे से देख लिया मुंह देखा ही नहीं, और जो मोटा छोटा वही चोरी किया। अभी याद आया उसको दंड से उसको सजा देने से पहले उसको पूछते है अंतिम कोई इच्छा है तुम्हारी, गुरु जी ने कहा था हमको याद कर लेना।
बोले थोड़ी सी गुरु जी से मिलने का इच्छा है। बोले गुरु जी कहाँ रहते हैं? बोले अमुक स्थान पर। गुरु जी को बुलाए। बोले गुरु जी, बोले क्या बात? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, मैं तो रोज रोज राबड़ी है, रोज रोज राबड़ी खाता था, रसमलाई रसगुल्ला खा खा मेरे शरीर को एकदम मोटा मोटा बनाया, और पता नहीं किसने चोरी की, पीछे से देख लिया है, कहते तुम ही चोरी किया, लगता है राजा तो पागल है। गुरु जी ने कहा पहले से ही तो मेरे को बता रहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बोले गुरु जी गलती हो गया, एक बार माफ कर दो। देख हम दोनों में लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी पर झुलाया जाए, और तुम बोलना मेरे को फांसी पर झुलाया जाए, फिर मैं जो कुछ होना करूंगा। ए दोनों में ऐसे लड़े, गुरु कहते मेरे को फांसी पर चलाओ, और चला कहता है मेरे को फांसी पर चलाओ चढ़ाओ। राजा ने कहा भैया क्या बात किया, ये दोनों मरने के लिए क्यों इतना लड़ रहे हैं? गुरु जी को बोला बेटा इधर आ, ले क्या बात, क्यों लड़ रहे हो फांसी में झूलने के लिए? बोले महाराज जी आपको पता नहीं, मैं जब यहाँ आया ना पंचांग देखकर आया, 100 साल के बाद में आज ये अमृत जो है, आज का दिन जो फांसी पर झूलेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा, मैं देख करके आया पंचांग, मैं फांसी पर झूलूंगा। गुरु जी बोले चला, बोले मैं फिर लड़ाई कर। राजा ने देखा 100 साल के बाद में एक दिन अमृत जो भैया मेरे भैया तो बुरी हो गई, कुछ दिन बाद में मरने मरने वाली, मेरे अपना भैया को क्यों फांसी में झुला नहीं दे? हैं ए बड़े दोनों भाई यहाँ से जरूरत है तुमको फांसी में झुलाने का, मेरी भैया बुरी हो गई, आज मेरे भैया को फांसी पर झुला कर के भैया भागो। और भाग गए, इसने क्या किया अपना भैया को ही फांसी में झुला दिया। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रश्न करते, बोले प्रभु आप ये बताओ, लगता है आपका जो राज्य है ना ये अधूर नगरी, क्योंकि जो पुतना जो आपको मारने के लिए जो आई थी, और सारे अपवित्र राक्षसी बच्चों का खून पीने वाली है, अगर आप उसको अगर गोलोक वृंदावन में अगर स्थान दे दोगे, तो फिर आप ये सब सखाओं को और आपके जो बात्सल्य रस में जो माताएं के ब्रज गोपी राधा रानी को पहले क्या दोगे? अब बताओ अब क्या उनको क्या दो? कृष्ण कहते ऐसे मत समझो, मेरे दरबार अंधेरी नगर नहीं, इसलिए ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। इसलिए मेरे को जो जैसे भजन करता है मैं ठीक उसके अनुरूप उसको मैं प्रेम प्रदान करता हूँ। इसलिए यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी यहाँ पर किसी चीज को लेकर तो मोहित हो रहे हैं। ये श्लोक में बताए बोले ऐसा घोष निवासी नाम भगवान की देवरा से बिना चेतो विश्व फलात फलम तोत परम कृताप्य जत मुहति जत द्वेषादी वपुतनादि सकुलाम त्वामेव देवा पिता। इसलिए ये श्लोक में कह रहे हैं हाँ ब्रह्मा जी ये चीज को सोच करके ब्रह्मा जी मोहित तो हो रहे हैं। बोले प्रभु ऐसा घोष निवास इनाम मुत भगवान कीम देवराज से तिना, प्रभु आप ये बताओ अगर आप पुतना को अगर इतना ऊंचा पद दे सकते हो, फिर ये ब्रजवासियों को आप क्या प्रदान करोगे? ये सखा माँ जसोदा राधा रानी को आप क्या प्रदान करोगे? क्योंकि आप कौन है, जितना फल का जो मूल फल कृष्ण है। बोले आप तो पुतना को भी प्राप्त हो गए हो, हाँ पुतना को भी तो प्राप्त हो गए हो, सबसे बड़ा फल आप हो, लेकिन जब इनको जो प्राप्त हुए फिर ब्रज का ये सखा मैया ये ब्रज गोपियों को आपने क्या प्रदान कर दो? प्रभु आप बताओ इनको क्या प्रदान करोगे? कृष्ण कहते ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे मत समझो है, इसलिए मैं तो ब्रजवासियों को प्रेम में इतने बसे हुए तुम हो, सखा लोग तो मेरे को घोड़ा बना देते हैं, पुतना थोड़ी उनको प्राप्त, पुतना तो केवल उनने धाई चित, धाई भी पद नहीं, धाई चित पद उन्होंने प्राप्त किया, जैसे प्रत को प्राप्त किया धाई पद उन्होंने प्राप्त ही नहीं किया है। सखा लोग को तो मैं तो उनको झूठा न खा करके, हमारे अजय प्रभु कहते सखा लोग जब कोई फल तोड़ते है ना, कुछ सखा लोग नीचे खड़े हो जाते हैं 5-6, उसके ऊपर 2-3, उसके ऊपर 2 कृष्ण, ऊपर में सर एक सखा चढ़ जाता है, एक फल को तोड़ करके पहले तो खा लेता है, खा करके फिर नीचे आता है, फिर वो भी खा लेता है,
और नीचे आता है तो कृष्ण के पास में पहुंचता है, गुठली पहुंचता है और कृष्ण गुठली को खाकर कहते बोले बड़ा मीठा फल है, फल तो बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा फल तुमने। कृष्ण सबसे गुठली खाते हैं, हैं? पहले सखा लोग खाकर कृष्ण को झूठन खिलाते हैं, हैं? और सखा लोग क्या कहते हैं, तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें संत किस चीज, श्रीदाम कहता है किस चीज के तुम बड़े हो, तेरे पिताजी के कितने गया बोलो, बोले 9 लाख, मेरे पिताजी बोले 11 लाख, और तेरे साथ में जो कुश्ती लगता हूँ तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ, घोड़ा बना देता हूँ, किस चीज के तुम बड़े हो, हैं? इसलिए करते मैया जसोदा जी की कान मोल देती है, जिनको उठाती है, बैठाती है, डांटती है, झपटती है, जिसको उखल में बांध देती है, और ब्रज गोपियों का प्रेम तो कृष्ण जहाँ पर नपार हम निरपद्या, जहाँ पर कृष्ण कहते गोपियां ब्रह्मा जैसे परमाल लेकर भी तुम्हारे नैनी से प्रेम में उड़नी हो ही नहीं सकता, इतने बसीभूत हो जाते हैं इनकी प्रेम में। और राधा रानी के प्रेम में तो कहना क्या है, राधा रानी के प्रेम में कहते हैं स्मर धरल खंडनम मम सिर सिमंडनम दही पद फल उदारम। इसलिए कृष्ण तो राधा रानी के चरण में अपना बंसुरी रख देती है, मयूर पंख रख देती है, अपना नाम कृष्ण के चरण में कृष्ण लिख देती है, मेरे नाम भी धन्य हो जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कृष्ण सबको बराबर चीज कृष्ण नहीं देते हैं, जो जैसे प्रेम करता है ठीक उसको वैसे ही कृष्ण को प्रेम करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने व्याख्या किया है, बड़े लंबी चौड़ी व्याख्या किया है, बोले पदाब्जस्तव नन्नत कदापि समय देवी।
फिर व्याख्या में गुरुदेव कहते हैं इति दृक सलिलात विरानंद कुंडे, कृष्ण ऐसे ही ब्रज में सुंदर सुंदर लीला करते हुए संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने डूबो करके रखा था। फिर आप गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं, कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए, कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए पहले तो पुतना आई, जब पुतना आई उसी समय नंद बाबा ने गए थे कहां पर, मथुरा गए थे कर देने के लिए, क्योंकि नंद बाबा बड़े दिन से कंस को कर नहीं दिया, लेकिन जब क्यों सोच रहे थे घर में तो कोई लाला है किसके लिए पैसा कमाए, पिता माता किसके लिए पैसा कमाते, बच्चों के लिए ना, बोले तो कोई है ही नहीं तो किसके लिए पैसा कमाऊंगा, इसलिए बड़े उदास थे और बड़े दिन से कंस जो बड़ा राजा उसको कर नहीं दिया। लेकिन कृष्ण जन्म होते ही नंद बाबा का मन में तो पता नहीं कितने कितने हिलोर आने लग गया, साला बड़ा होएगो, घर में शादी होएगा, घर में बहू आएगी, नुकुर पहन करके छम छम करके चलेगी, और उनके मन में पता नहीं क्या क्या भावना आने लगी नंद बाबा, और जो शुभ चीज में ज्यादा बिजमय है पता नहीं दुष्ट कंस कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर दे इसलिए उसको पहले चुप करे, इसलिए नंद बाबा वहां पर कर देने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने कर दिए उन्होंने वसुदेव महाराज से भी उनके भाई लगते हैं। ये वसुदेव पता लगा रहा था अभी कंस का नेक्स्ट स्टेज स्टेप क्या है, क्योंकि कंस को तो पता नहीं, उन्होंने राधा राधा कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके आ गई ये बात तो कंस को पता नहीं है, उनने सोचा तो जो लड़की थी उसको मारे तो आकाश में उड़ गई, इतना बोली तेरे को मारने वाला और कोई जन्म लिया, लेकिन वसुदेव महाराज गुप्त चरण से पता लगा रहे बताओ अभी कंस कर रहा है क्या, उनको पता चला कि कंस अभी उन्होंने पुतना को भेज दिया बच्चों को मारने के लिए, जब नंद बाबा मिलने के लिए आए इतने में श्री वसुदेव महाराज जी कहते बोले नंद तो ज्यादा समय यहाँ मत रुका कर, जल्दी जल्दी चल, हो ना हो गोकुल में कोई अनहोनी नहीं हो जाए, सचमुच से नंद बाबा नारायण को स्मरण करते हुए हे नारायण ये बूढ़े उम्र में तुमने ये लाला दियो है, ये लाला को तुम ही रखा करोगे, जो सचमुच से आएगा गोकुल में सचमुच से उन्नति का पुतना आ गई है, पुतना आ गई थी। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव तो बड़ा दुखी थे वो सही बता रहा था गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाले, वो तो सही बताया। फिर नंद बाबा ने बोले मैंने नहीं कहा ना इसलिए ये पुतना घुस गए, बोले देखो इसको बाद में कोई एरे गेरे व्यक्तियों का घर में घुसने मत दिया करना, एकदम कड़ी पहरादार लगा दिया, जब पहरादार लगा दिए इतने में जब शंकर जी को पता चला मेरे आराध्य देव भी गोकुल में नंद के लाला बन करके आए, इतने में शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए हर लड़चड़ श्रृंगार करते हुए शंकर जी अलग निरंजन बोलते बोलते कृष्ण को दर्शन करने के लिए शंकर जी गोकुल में आए, जो गोकुल में आए शंकर जी का श्रृंगार आपको पता सांप बीच लटक रहा है सारा शरीर में बहुत लगाए हुए जटा जूट है और नंदी के ऊपर में बैठ करके बड़े भयंकर शंकर जी का रूप है, इसलिए शंकर जी जब आए आ करके नंद बाबा ने बोले भैया बोली देखकर तो मैया ही डर गई, बोले बाबा क्या बात है, बोले मैंने सुना तुम्हारे घर में लाला गए हो, बोले लाला गए तो तेरे कहा गए हो, बोले सर लाला को दर्शन करा दे, क्योंकि शंकर जी ने देखा भगवान के सारे लीला तब ने देखा, लेकिन वो परात पर परम ब्रह्म होते हुए भी अभी नंद बाबा के घर में लाला बन कर गया है, भूख लगे तो बोल नहीं पाते रोते हैं, अरे भैया उनको खिलाती है विश्व ब्रह्मांड को जो चलन चलन वाले भैया उनको भी अंगुल पकड़ पकड़ करके टुमुक टुमुक करके अरे उनको चलाना सिखाती है भैया है, इसलिए मच्छर काटे तो उनको भगा नहीं पाते, जो विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले कहते ये लीला तो मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए शंकर जी उनका बाल गोपाल रूप दर्शन करने के लिए आए, जब आए इतने में शंकर जी बोले दर्शन करा, बोले बाबा तेरे रूप देख कर तो मैं ही घबरा रहा हूँ, मैं जी घबरा रहा हूँ, मेरे लाला तो अभी बहुत छोटे से है और बड़ी जल्दी नजर भी लग जाती है बाबा, इसलिए अगर तुमको सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ तुमको रेशमी कपड़ा जो कुछ चाहिए हम सो देने के लिए तैयार है, लेकिन लाला का दर्शन नहीं होगा। शंकर जी बोले लाला दर्शन नहीं कराओगे, बोले नहीं, बोले नहीं कराओगे ना मैं तो यहीं पर डब त्रिशूल गाड़ करके यहीं पर धून धून रमा तो हुए है यहीं पर मैं बैठता हूँ,
इसलिए बोले लाला को मैं दर्शन, बोले जब बड़ा होगा तब तो निकलेगा, तब दर्शन करूंगा हैं। बोले मेरा एक दरवाजा नहीं, मेरा चार दरवाजा है, मैं इसे दरवाजा निकालूंगी नहीं, पीछे से दरवाजे से निकाल दूंगा। बोले मैं भी चार रूप लेकर मैं भी बैठ जाऊंगा चार दरवाजा में, जब निकालोगे तभी मैं निकालूंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरा भी 11 रूप है, 11 मुद्रा है ना। बोले 11 रूप लेकर मैं बैठ जाऊंगा। इतने में तो मैया कृष्ण को लेकर के घर के कोने में उन्होंने छुपा दी। हे शंकर जी वहीं पर बैठ करके भगवान को ध्यान करने लगे। बोले प्रभु आपका तो सारे लीला हमने दर्शन की, लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप तो मैंने दर्शन नहीं किया। प्रभु कितने दूर से आया, एक बार दर्शन कर दो। शंकर जी कौन है? कहते वैष्णव नाम यथा भगवान के सबसे प्यारे भक्त शंकर जी, इनके बगैर कोई लीला नहीं होता। कृष्ण लीला में गोपीश्वर बनकर के आए, राम लीला में हनुमान बनकर के आए हैं, महाप्रभु लीला में अद्वैत अद्वैत आचार्य बनकर के आए, और उनने महाप्रभु को जगत में प्रकट करवाया। जब उन्हें ध्यान करने लगे और शंकर जी डम्बर बजा, जब डम्बर बजा ये डम्बर का आवाज जब कृष्ण को कान में पड़ा, इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया। मैया आकर देखती है लाला रो रहा है, और मैया जितने थप थप लगाए तो रोने को बंद करने के लिए कृष्ण उतना जोर से रो, पूरा परिवार दंग हो गए, लेकिन कृष्ण का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। बोले आज क्या हो गया, लाला का रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? इतने में एक गोपी ने बोले भैया वो तो बाबा है ना, वही पर आंख बंद करके लगता है कुछ तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, और जो डम्बर बज रहा है ना वो डम्बर का आवाज सुन करके तेरे लाला रो रहा है। वो कहता है जब तक दर्शन नहीं कराऊ यहाँ से मैं जाने वाला नहीं, तुम एक बार दर्शन करा कर लिया। इतने में मैया ने कृष्ण को काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर काजल का गोंद लगा दी, गोंद लगा कर तो बड़े कष्ट से उनको लेकर के आती है कृष्ण का दर्शन कराने के लिए। जब कृष्ण को उन्होंने एक झलक दर्शन कराए, बोले बाबा तू बड़ा अकड़ है, तू मानता नहीं, ले लाला का दर्शन कर। जब उन्होंने एक झलक दर्शन कराया ना, अभी तक तक कृष्ण रो रहे थे, इतने में तो कृष्ण खिलखिला के हंसने लगे, और शंकर जी हंस रहे तो रोने लग गए। मैया बोले ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि अपना लाला का तो रोना ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जानते हैं, हाथ देखना नहीं तो ज्योतिष सब फैल जाते। बोले बाबा मेरे हाथ देख लो तो क्या होगा। अभी तो शंकर जी घर गए, मैया ने बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता है ना क्या? बोले हाँ मैं तो जादू टोना जानता हूँ। बोले मेरे लाला को ऊपर में बड़े जल्दी जल्दी नजर लग जाता है, कोई है तेरे पास में? बोले भैया एक काम कर देना, कभी जादू टोना नहीं लगा। बोले बाबा बता दे। बोले मैं यही रहूंगा, धूल जमा हाँ धूल रमा तो मैं यही रहूंगा, एक ही काम करियो, जब तुम्हारे लाला को तुम स्नान कराइयो, वो स्नान का जो जल है उसको ला करके मेरे सर पर डाल देना, भगवान की चरणा में। शंकर जी जटा में कौन है? गंगा है ना, इसलिए इधर कावरे लोग रहते ना कावरे, पता नहीं गंगा पानी भर कर कितना, कितने कोई कोई तो जा करके गंगोत्री से पानी भर करके वहां से चल चल करके आते हैं, हाँ शंकर जी के सर में पानी डालने के लिए। क्यों इतना प्रसन्न होते हैं? ये गंगा भगवान की चरणा मिलते हैं, और ये जो गंगा किसके चरणा मिलते हैं? कहते बामन देव का है, जिस समय भगवान बामन देव ने एक चरण बढ़ाया सत्य लोक में, उसी समय में ब्रह्मा जी अभिषेक करते हुए वो जो पानी को अपना कमंडल में रखा था वो गंगा है। लेकिन बामन देव कौन है? कृष्ण के बलदेव प्रभु से मूल संकर्षण से फिर वहां चतुर्व्यूह उससे फिर कारण साहिब विष्णु उनसे जो अवतार आते हैं ये हो गए बामन देव है। मतलब कृष्ण का अंश के अंश के अंश का अंश, लेकिन यहाँ पर सख्यात कृष्ण है, यहाँ पर कृष्ण का चरणामृत। शंकर जी को कितना प्यारा नहीं होगा, है कितने प्यारा नहीं होगा? बोले लाला की चरणामृत मेरे सर पर डाल देना, सर बाबा कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता सही। बोले लाला को जब भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा उसको ला कर मेरे को देना, कि भगवान का प्रसाद है। इसलिए हम लोग कहीं भी है शंकर जी का डायरेक्ट प्रसाद वैष्णव लोग कहीं भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम लोग एक जगह पर लेते हैं। हाँ बताओ, भुवनेश्वर में
वहां पर जो लिंगराज मंदिर है वो पहले श्री अनंत वासुदेव को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद श्री शंकर जी को भोग लगता है वहां पर, इसलिए केवल वहीं पर हम शंकर जी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को अरे माता विमला को भोग लगती है, फिर वो प्रसाद नहीं पर महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए वहां पर अभी भी आप नंदगांव में जाओगे ना, अभी भी वो लीला हो रही है। जब ठाकुर जी का स्नान होता है वो चरणामृत जो नंदीश्वर महादेव वहां पर वो चरणामृत ला करके नंदीश्वर को ऊपर में उसको ऊपर में डालते हैं, फिर ठाकुर को जो भोग लगता है वो सीधा प्लेट आएगा नंदीश्वर के पास में, फिर वहां पर शंकर जी को प्रसाद को शंकर जी पाते हैं। इसलिए वहां पर अभी भी ये लीला वहां पर हो रही है। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर ये कथा को सुनाते हैं कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हुए कैसे ब्रजवासियों को कैसे डुबो कर रखे थे। वहां पर एक गुरुदेव ने एक सुंदर एक भजन बोले, बोले चल रे जोगी नंद भवन में जसमती मात तुम्हें बुलावे, वा के लाल को नजर लगी है तुपे राय मोन करवावे, रह रह जोगी नंद भवन में ब्रज में पास सुतु की जो, जब जब वा को लाला करोबे तब तब दर्शन दीजो। इसलिए गुरुदेव इसको बड़े सुंदर रूप में बोलते थे, इसलिए मैयान बोले बाबा तुम यहीं पर रह करो है, और कभी कभी गोपियां जाकर कहती बोले बाबा तेरे को मैया जसमती तुमको बुला रही है, उनको लाला को नजर लग गया, इसलिए अभी तुम ब्रज में बात करो, जब जब लाला को नजर लग गया तब तक राय और नून मंत्र करके तो दे देना हम बच्चे को छिड़काव करने के लिए। इसलिए अभी भी वहां पर नंदगांव में जोगिया कुंड, अभी भी वहां पर भी जोगिया कुंड में अभी भी शंकर जी वहां पर विद्यमान। इसलिए गुरुदेव जब कार्तिक महीना में पूरा एक महीना गुरु जी पूरा की दामोदर अष्टव को गुरुदेव पाठ करते थे। अभी हमारे बीच में संजय प्रभु रामचंद्र गुरु जी क्या बोलेंगे, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ी देरी तो बोल रहे ना वो ना गिर जाता है उसमें 15 मिनट ज्यादा देर बैठने अज्ञान ज्ञान नमो विष्णु पदाय राधिकाय श्रीआत्मने श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण को स्वामी नाम श्री कृष्ण लीला कथने से रक्षा मंगारे मंगले गुणेश वरमरणीय पुरुषम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव चक्रवर्ती हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि जन्म करके तत्पश्चात विद्वान भक्ति विनाथ सीधा महाराज संजय प्रभु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम, भाई अचैन भाई बहन सभी के दंडवत प्रणाम। एक बार मैं श्री गुरुदेव के साथ बैजर में था तो बैजर में गुरुदेव यही प्रसंग चला रहे थे दामोदर लीला का, तो उसमें माता यशोदा को कृष्ण को बांधने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 10-10-11 बजे तक चलता,
कृष्ण वंदना में नहीं आते। हर बार दो उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है। वहां वो अंग्रेजी में ये सारी कथा सुना रहे थे। जब दो उंगल की बात आई तो एक उंगल है प्रयास, दूसरा उंगल है किरदार। इसमें गुरुदेव ने बहुत ही एक्सटेंसिवली बोला कि हम किस तरह से प्रयास में चूक जाते हैं तो कृपा मिलती नहीं है। वैसे ही कृपा का मतलब ही यही है, क्री मैंने करो और प मैंने साओ। पहले करो, करो मैंने प्रयास और प मैंने साओ, मतलब कृपा। तो संसार की आसक्तियां हमारे प्रयासों को शिथिल कर देती हैं और प्रयास शिथिल हो जाते हैं तो कृपा मिलती नहीं। गुरुदेव इस तरह से बतला रहे थे। मैं वहां बैठा हुआ था, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं। मुझको इस चीज की गलानी होने लगी कि वाकई जो साधना और प्रयास हमें करने चाहिए वो मेरे से नहीं होने। जैसे उस दिन मैं बतला रहा था एकादशी है तो जब भी जो कुछ भी है मुंह में डाल देते हैं, खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते। गुरुदेव को निर्जला रखने को कह रहे तो हुआ नहीं, प्रयास हुआ नहीं, चूक गए। 1,00,000 माला जाप करो, यहाँ पे 1,00,000 करने की ताकत नहीं है। एक ही समय 1,00,000 होता है। जब 6 घंटे की कहीं पे फ्लाइट हो या कार में बैठे हो, दूर जा रहे हो, तो और कुछ नहीं, एम आवाज कुछ किया कर, और कुछ नहीं तो माला ही के बराबर हरे कृष्ण। यहाँ 100 काम है, खाना भी है, सोना भी है, पीना भी है, तो 1,00,000 हो नहीं देता। अच्छा फिर इतना ही नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए, जाप की क्वालिटी होनी चाहिए जोर से। हमारे परमेश्वरी प्रभु बहुत ध्यान से जाप करने को कैसे बोलते हैं, जो बोलते हो उसको सुनो, अपने नाम को जाप को सुनो, इसमें भी बड़ी ताकत है। लेकिन गुरुदेव ये जो लीलाएं कथाएं सुनाते हैं उस पे बहुत जोर देते हैं कि जाप करते समय इसका क्या करो, चिंतन करो, चिंतन करो। तो हमारा चिंतन तो लीला कथा का होता होगा, लेकिन जैसे ही माला पकड़ी और लीला कहीं और माला कहीं, तो मैं ना बहुत बहुत ही गंभीर और गमगीन, गमगीन समझते हो, कम से भरा हुआ। गुरुदेव आए तो मैं मालिश कर रहा था, तो बाद में मालिश के बाद बैठ जाते ना थोड़ी देर के लिए वो। तो मैंने कहा महाराज जी एक उंगल का सवाल है, मेरा कहने का अपना स्टाइल होता था। मैंने सीरियसली कहा गुरुदेव एक उंगल का सवाल है, मेरा कहने का मतलब यह था कि आपकी कृपा का तो कोई पारोवार नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रयास वाली उंगल है वो बेकार, वो बात नहीं बनती। मैंने कहा गुरुदेव एक उंगल का सवाल है, बोलते हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रयास तो बहुत हैं, बस कृपा की कमी है। एकदम बात को क्या किया, अपने ढंग से पलट दिया। नहीं गुरुदेव आपकी कृपा की कमी नहीं है, कमी तो है मेरे प्रयास की। फिर 2008 की बात है, वहीं गए जाते अंतिम समय में गुरुदेव ने कहा कि भाई जितना मैंने तुमको सुनाया अच्छी तरह से ग्रहण कर लो,
अच्छी तरह से ग्रहण कर लो, क्योंकि पता नहीं अब मेरा आना हो या ना हो। तो आज की ये बात है, और कुछ इस समय ये भी चर्चा कर रही थी दो मंगल की। दूसरे दिन मैंने बहुत वहां से होके कहा, गुरुदेव आप बार बार ना आने की बात कर रहे हो, अपने जाने की बात कर रहे हो, हमारी स्थिति मालूम है, हम तो उस पत्ती की तरह हैं जो पेड़ की होती है, अगर पेड़ के हैं मैं चला जाऊंगा तो पत्ती तो अपने आप सूख जाएगी, हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आप अभी ये बात संकल्प में मत लाओ, बिल्कुल मैंने प्रार्थना की इस पर। उसने देखो, एक होता है पौधा, एक होता है पेड़, एक होता है पौधा और एक होता है पेड़। पौधे को रोज पानी देना पड़ता है तो वो सूख जाता है, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है ना तो वो उसकी जड़ें नीचे चली जाती है, फिर वो नीचे से पानी खींच देता है, फिर उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तुम पेड़ बन गए हो, अब तुम पौधे नहीं रहे, तुम क्या बन गए हो, पेड़ बन गए हो, पानी नीचे से खींच सकते हो। पेड़ तो हम बने नहीं, 2 साल के बाद गुरुदेव छोड़ दे तो चले गए, पानी खींच नहीं रहा, ना पौधा रहा ना पेड़, हम पता नहीं क्या बने रहे, सुख रहा हूं मैं तो। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी बुचपाल श्रीधर महाराज जी ने कि हम कृष्ण कथा सुनाए, क्योंकि कुल मिला के सब चीजों का क्रैक्स तो यही है ना, क्या है, कृष्ण कथा। जो हम दामोदर अष्टकम कर रहे हैं और उसमें अभी महाराज जी सुना रहे हैं सारी कृष्ण की कथाएं, स्वानंद वो क्या है, वीरानंद कुंडे सौ घोषम निमज्जन आज्ञा। तो उसमें एक छोटी सी वर्णन मैं आपको सुनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कात्यानी व्रत का। कात्यानी व्रत में ये वर्णन आता है कि जो ब्रज की कुमारियां थीं, उन्होंने कात्यानी व्रत रखा। ये कुमारियां कौन थी जिनका विवाह नहीं हुआ? अब जिनका विवाह हो, भारतवर्ष में विवाह बड़ी जल्दी उम्र में 13-14 साल की उम्र में विवाह हो जाता है, 10-12 में उसको पहले से भी बात कर देते हैं। अब ये जो लड़कियां थी, ये जो लड़कियां थी कुमारियां, ये कुमारियां लड़की जो थी, ये कितने साल की होंगी, कोई 4 साल की, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की, इतनी उम्र होगी। क्यों? क्योंकि खुद कृष्ण की उम्र क्या थी, जिस समय ये कात्यानी व्रत का वर्णन आया है तो खुद कृष्ण की उम्र क्या थी, वो 7 वर्ष की उम्र थी कृष्ण। जब कृष्ण की उम्र 7 साल की है और ये कुमारियां हैं तो उनकी उम्र क्या होगी, 4-5-6 कुमारी का मतलब क्या है, कुमार और कुमारी, जिनके अंदर काम भावना नहीं, तो बोलते हैं काम भावना जिसके अंदर नहीं है वो है कुमार, वो है कुमारी। तो फिर इन छोटी छोटी बच्चियों ने, और कुमारी भी निकाय क्या क्या है बच्चियों ने, इन छोटी छोटी बच्चियों ने जिनमें स्त्री पुरुष का अंतर ही नहीं मालूम है और वो
कात्यायनी देवी की पूजा करने जा रही है। और पूजा क्या कर रही है कि हमको कृष्ण इस रूप में मिले, पति रूप में मिले। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? गुरुदेव से मैंने सुना, और इधर जो गुरुदेव के ग्रंथ हमारे पूज्य पाद भक्ति विनाम तीरथ महाराज जी ने लिखे दसवें स्कंध के ऊपर व्याख्यान दी है, और भाव प्रकाशित आवृत्ति और कुछ में गोपाल चंपू में से कोट करके बड़ा सुंदर वर्णन सुनना जरा। बोलते हैं कुमार और कुमारी अवस्था वो होती है जिसमें मदन का प्रभाव तो नहीं पड़ता, जिसपे मदन मैंने जिसपे मदन का प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन मदन मोहन का प्रभाव पड़ता है। मदन का प्रभाव तो नहीं पड़ता लेकिन मदन मोहन का प्रभाव पड़ता। अरे ब्रज में ये कुमारियां ही क्यों, जितने भी हैं अन्य गोपियां भी, कोई भी काम के प्रभाव में है नहीं, किसी में भी मदन का प्रभाव है नहीं, लेकिन मदन मोहन का प्रभाव होता है। मदन मोहन है कृष्ण का, इसलिए इनके अंदर शुद्ध प्रेम है, खालस प्रेम है, काम है ही नहीं। चलो जीव गोस्वामी जी ने, हम लोग काम गायत्री करते हैं ना, उसमें एक अंतिम शब्द है प्रचोदया। किस चीज को प्रचोदया का है, प्रकृष्ट रूप से उद्यत हो, क्या चीज? अनंग। क्या शब्द है? अनंग। अनंग मतलब जिसका अंग नहीं। तो ऐसे वर्णन आता है कि कामदेव को शिव जी ने क्या किया,